नमस्कार, इंडिया ब्यूरो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया ब्यूरो, इंडिया का पहला ऑनलाइन न्यूज चैनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पे। तो आइए चलते हैं मुंबई की तरफ और देखते हैं क्या कुछ खास हो रहा है मुंबई में। चलिए आज आपको ले चलते हैं मुंबई के लाल बाग के गरम खाड़ा में, जहां पर एक महोत्सव रखा गया है जिस महोत्सव का नाम है बिरयानी महोत्सव। लेकिन बिरयानी महोत्सव के साथ साथ यहां पे काफ़ी चीज़ अवेलेबल है जो आपको एक एक करके हम लोग दिखाएंगे और देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ निकलेगा वाव। आज फर्स्ट डे है यहाँ पर बिरयानी महोत्सव का। तो चलते हैं नितेश जी के वाइफ विजया नितेश पवार जी। तो मैं सबसे पहले आपसे ही क्वेश्चन कर लेती हूँ, क्योंकि आपके हस्बैंड फिलहाल बिजी हैं, उनका बाद में इंटरव्यू करेंगे। तो ये जो इतनी सारी स्टॉल्स लग रखी हैं, ये कब से आप महोत्सव चला रहे हैं? मतलब महोत्सव जो रखा गया है बिरयानी महोत्सव, ये क्या सोचकर नाम रखा गया है? हम इवेंट पिछले 2 साल से कर रहे हैं। हमने शुरुआत जो की थी वो ये मिसर महोत्सव से की थी, और फिर मिसर महोत्सव करते करते फिर बाद में अलग अलग हम लोगों को कुछ आइडियाज़ आते गई कि लोगों से भी फरमाइश आते गई कि कुछ और चाहिए, कुछ और नया चाहिए। फिर हम मटन मासूरी, फिर महाराष्ट्र की मेजबानी, ऐसे करके अलग अलग इवेंट्स किए, और अभी ये हमारा दूसरा बिरयानी महोत्सव है। पहला जो इवेंट था वो हम लोग ने यहीं पे परेल में किया था, पहला बिरयानी महोत्सव। वो उसका जो सक्सेस देखकर हमें लगा कि नहीं, एक और अभी यहीं पे आसपास करेंगे, क्योंकि लोगों का बहुत ये था कि नहीं, एक और होना चाहिए हमारे एरिया में। इसीलिए यानी कि लोगों का प्यार आपको बहुत मिला, कि जो आपने एक स्कीम बनाई थी वो स्कीम लोगों को बहुत पसंद आई, तो आप उनके टेस्ट के हिसाब से चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जाएंगे। जी, अभी हम तो हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो नीड्स है, वो जो बोलते हैं एक चाहत है कि कुछ और खाना है, इंटरेस्टिंग कुछ खाना है, वो उनके वो नीड्स पूरा कर सकें। तो इसीलिए बिरयानी में भी इस बार हमने ऐसे किया है कि पिछले बार थोड़े कम बिरयानी थे, इस बार और वैरायटी है, और वैरायटी मतलब स्टॉल वाइज भी, पर स्टॉल वाइज भी बहुत सारी वैरायटी एक्स्ट्रा लेके आए हैं, उसके साथ स्टार्टर्स हैं और डेजर्ट्स हैं। और ये हुआ खाने पीने की बात है, और उसके बाद जो औरतों का जो फेवरेट है शॉपिंग, तो उसका भी हम लोगों ने ध्यान रखते हुए शॉपिंग के स्टॉल्स भी रखे हुए हैं। तो बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लोगों का इनको भरपूर प्यार मिल रहा है। कहते हैं अगर किसी के दिल तक पहुँचना है तो सबसे पहले उसके पेट पर दस्तक देनी होती है, तो बिल्कुल सही जगह इन्होंने दस्तक दी है, लोगों के पेट पर दस्तक दे रहे हैं कि आओ खाओ और हमें बहुत सारा प्यार दो। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ कि आपको सब लोगों का इसी तरह से प्यार मिलता रहे, और आपका जो ये आइडिया है ये दिन प्रतिदिन पढ़ता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसका नाम बिरयानी महोत्सव क्यों रखा गया है आप देख सकते हैं, नंबर 1 से लेकर यहाँ पर कई सारे स्टॉल्स लगी हुई है चारों तरफ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि चारों तरफ जो बिरयानी के स्टॉल्स है सबको दिखाएं, और इन स्टॉल्स पर हर तरीके की बिरयानी का जायजा आप ले सकते हैं, हर स्टेट की बिरयानी का जायका आप ले सकते हैं। बिरयानी नाम एक है लेकिन उसके स्वाद अनेक है। हर स्टॉल पर जाकर आप अगर बिरयानी से टेस्ट भी करेंगे तो भी जितनी यहाँ पे बिरयानी की स्टॉल्स है उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेस्ट करते करते आपका पेट इतना भर जाएगा कि कुछ स्टॉल्स तो आपकी छूट ही जानी है। खाना चाहूंगी इसके नाम को, अरब रेस्टोरेंट है ये, और शायद अरब का स्वाद आपको यहाँ मुंबई में मिल सकता है। तो भैया मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो नाम है आपने नाम कैसे चूज करा, और ये क्या है, ये जो स्टॉल के ओनर है, स्टॉल के मालिक है, उनसे हम बात करते हैं। ये 1950 का रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, अभी फैमिली रेस्टोरेंट भी है, अरब फैमिली रेस्टोरेंट। 1950 का रेस्टोरेंट है, यानी कि बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, तो इसका जायका जो है वो मतलब पुराने वाला ही आने वाला है, पुराने वाला ही जायका आएगा, और नया जायका भी है। चिकन सीख मलाई बिरयानी है, चिकन पहाड़ी कबाब है, रेशमी कबाब है,
बंजारा कबाब है, फिर चिकन दम बिरयानी है। यानी कि कई तरीके की बिरयानी आप देख सकते हैं और आंखों के आगे ये बिरयानी को तैयार करते हैं, बिल्कुल आंखों के आगे नॉर्मल तरीके से, जिसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। ये देखिए, देखने में बहुत अच्छी लग रही है भैया। ये कौन सी बिरयानी है? मलाई बिरयानी है, चिकन शेक मलाई बिरयानी। और ये जो अभी आपने दिखाई थी, चिकन दम बिरयानी, चिकन दम बिरयानी। और ये जो आपने कोयले वाला कुछ जलाया हुआ है, इसमें आप क्या करते हैं? चिकन टिक्का, रेशमी टिक्का, पहाड़ी टिक्का में इसमें गर्म करके सेक के देते हैं। चिकन टिक्का, पहाड़ी टिक्का, रेशमी टिक्का। तो देखिए, बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपकी आंखों के सामने आपको ये खाने का जो टेस्ट तो आएगा ही, साथ ही साथ आप बिल्कुल सेफ है, घबराइए नहीं। जो खाएंगे बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार करके आपको दिया जाता है, जो आपके लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। तो चलिए, एक और बिरयानी के स्टॉल पर हम पहुंच चुके हैं। आप ऊपर देख सकते हैं, मशावी ग्रिल्स एंड बिरयानी, ये नाम है स्टॉल का। और मशावी का मतलब क्या होता है, ये हम बाद में स्टॉल वाले भैया से पूछेंगे। फिलहाल जो ये अंदर पक रहा है उसको दिखाते हैं कि ये क्या है, बारी बारी करके दिखाते हैं। ये क्या है भैया? चिकन रशियन कटलेट। ये रशियन कटलेट है। और ये चिकन कटलेट है, रेगुलर चिकन कटलेट। और ये हांडी टाइप में कुछ पक रहा है, ये क्या है? हमारी अरबिक बिरयानी है। अरबिक बिरयानी, वाओ नाइस। ये चिकन सीख बिरयानी है। चिकन सीख बिरयानी, ये चीजी सॉस के अंदर बनती है। ओके ओके, देखने में बहुत ही डिफरेंट लग रही है, एकदम मलाई कोफ्ते की तरह लग रही है। नहीं, अभी मैं टेस्ट नहीं करूंगी। और सबसे पहले इसकी खूबसूरती मैं दिखा दूं, आप इसको ढक दीजिए। सबसे अच्छा तरीका इसके पकने का मुझे लग रहा है, ये सच में गर्म हो रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये सच में गर्म हो रहा है ना भैया? बिल्कुल, देखिए ये जो इसका लुक है अपनी ओर आकर्षित करता है कि आओ और मुझे खाओ। इसको खिलाने का मतलब नहीं है मेरा, इसका मतलब है आओ और इसका मतलब है हमें खाओ। इसका जो शो है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और ये लोगों को अपनी ओर खींचता है। एक बार तो देखने के लिए दूर से बंदा ज़रूर खींचा चला आता है। और ये मशावी का मतलब क्या है भैया? मशावी का मतलब है ग्रिल, इट इज़ एन अरबिक वर्ड है ये। इसका मतलब मायने होता है जो हम बारबेक्यू सिगड़ी करते हैं उसको बोलते हैं। अब आप समझ चुके होंगे, मशावी का मतलब होता है ग्रिल्ड, उसको तला नहीं जाता है, बिल्कुल भी उसमें ऑयल नहीं होता है, इसका यही मतलब है। और खाने के लिए बिल्कुल, सेहत के लिए बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। तो सेहत के लिए बिल्कुल सेफ है आप जान चुके हैं, तो आइए खाइए। अभी 3 दिन और ये स्टॉल्स चलने वाली हैं। नेक्स्ट स्टॉल पर आप देख सकते हैं, इसका नाम है द बिरयानी किचन। वो द बिरयानी किचन इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पर कई तरीके की बिरयानी है, दम बिरयानी है, पनीर टिक्का बिरयानी है, चिकन दम बिरयानी है, चिकन टिक्का बिरयानी है, वेज रशियन कबाब है, चिकन लॉलीपॉप है, चिकन कीमा कबाब है। मेरा तो सांस फूल गया है सबके नाम लेते लेते, लेकिन शायद इस तरीके की स्टॉल्स ख़त्म होने वाली आज नहीं है। लेकिन फिर भी जितनी स्टॉल्स हम कैच कर सकते हैं उतनी करते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं, बताते हैं ये क्या क्या चीज़ है और कैसे बनती है, ये इसका नाम किचन बिरयानी क्यों रखा गया। तो हमारे साथ है इस किचन के मालिक, जिनका नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता है। भूषण शिंदे। आप बताइए, किचन आपका जो स्टॉल का नाम है द बिरयानी किचन, ये क्यों रखा गया? क्योंकि इधर सब अलग अलग टाइम से बिरयानी मिलते हैं। आज तो आज वेज का बिरयानी दिखेंगे आप, कल प्रॉन्स फिश में बिरयानी रहेंगे, प्रॉन बिरयानी रहेंगे, हैदराबादी बिरयानी रहेंगे। आज थर्सडे इसलिए अपने वेज बिरयानी रखा है, उधर वेज बिरयानी है, ये चिकन लॉलीपॉप है। अच्छा, ये चिकन लॉलीपॉप है।
ये चिकन कीमा नहीं है। नहीं नहीं, ये चिकन है, ये चिकन कीमा कटलेट है। अच्छा, हाँ, ये वेज रशियन कबाब है। ये वेज है? ये वेज रशियन कबाब है पक्का। हाँ, ये किस चीज से बनता है? ये पूरा वेजिटेबल्स है। अच्छा, मेयोनीज है, सब मिक्स होके एकदम ऐसा अपन कीमा टाइप बनाते हैं उसको वेज में, और उसके बनते हैं। तो ये सेहत के लिए कुछ हानिकारक नहीं? कुछ हानिकारक नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और एक तरह से घर का खाना, घर का खाना बना सकते हैं। और देखिए ये बिरयानी, जो वेज बिरयानी की बातें की इन्होंने, कितनी चिकन टिक्का बिरयानी है, चिकन टिक्का, चिकन टिक्का बिरयानी है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये ऑरेंज, येलो, वाइट, और ऊपर से इसको ग्रीनिश किया गया है धनिए से, ग्रीन कलर का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये वेज, ये चिकन दम बिरयानी है, ये चिकन, चिकन चिकन दम बिरयानी है, और एक और पनीर टिक्का बिरयानी, पनीर टिक्का बिरयानी, लेकिन मुझे इसमें पनीर नजर नहीं आ रहा है। ये क्या, ये सब पनीर? अच्छा अच्छा, हाँ, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पनीर आप सबको दिखाई देगा। और ये देखिए, ये आया अब पनीर, क्योंकि कई बार जब हम ध्यान से देख नहीं पाते तो कहते हैं कि भाई पनीर तो दिखाई नहीं दे रहा, पनीर नाम डाल दिया है। तो देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से पनीर को देख सकते हैं। ये वेज दम बिरयानी है, वेज में क्या क्या डाला है आपने? इसमें कॉलीफ्लावर आता है, कैरेट आता है, शिमला मिर्ची आता है, और बहुत सोयाबीन आते हैं। हाँ, इसमें वेज में भी अपन पनीर भी डालते हैं एकदम, लेकिन एकदम कम मात्रा में आ रहता है, सिर्फ टेस्ट के लिए, यानी कि काफ़ी सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके आप डाल देते हैं। हाँ, आलू रहता है, बहुत कुछ रहता है इसमें, वेज ओवरऑल सब सब्जियाँ रहती है ऑलमोस्ट। तो इन्होंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, आज थर्सडे है, लोग कम खाते हैं थर्सडे को नॉनवेज, तो नॉनवेज सिर्फ एक या दो चीज़ रखी है नॉनवेज की, बाकी सब इन्होंने वेजिटेरियन है पूरा माल इनका, पूरा जो खाना है बिरयानी वेजिटेबल से बनी हुई है। तो आप यहाँ पर आज वेजिटेबल्स का टेस्ट ले सकते हैं, वेज बिरयानी का टेस्ट ले सकते हैं, और कल से फुल आपको नॉन वेज मिलेगा यहाँ पर। वेज भी मिलेगा, कल वेज भी रहेगा, नॉन वेज ज्यादा रहेगा, कल भी वेज रहेगा लेकिन नॉन वेज ज्यादा रहेगा। चलिए एक और स्टॉल पे हम आ चुके हैं। कहते हैं जो चीज देखने में ज्यादा अच्छी हो वो देखने से भी ज्यादा खाने में टेस्टी होती है, और अगर देखने में कोई चीज बेहतरीन है तो वो अपनी ओर आकर्षित करती है, और हम कहते हैं कि इसे खाकर टेस्ट करके जरूर देखना चाहिए। एक बहुत ही आपको ले चलती हूँ उत्सव बिरयानी पर, जो स्टॉल है वो है उत्सव बिरयानी के नाम से, और दिखाना चाहूंगी कि ये जो कोयले होते हैं उन पर ये टिक्के टाइप कुछ बनाया जा रहा है। क्या है? ग्रीन है, एक शायद हल्का येलो है, रेड में है, एक और कलर है इसमें ब्राउनिश है। जो इस स्टॉल पे खड़ी है उससे पूछते हैं ये क्या बन रहा है, और यहाँ पर इस स्टॉल पर क्या क्या चीजें हैं कर रहे हैं। अलग अलग तरह के कबाब है, जैसे पहाड़ी है, बंजारा है, फिर तंदूरी है, फिर हमारी यहाँ पर ये दूसरी बिरयानी है जो इसको थेप्सा बिरयानी जो बोलते हैं, इसमें चाइनीज, इंडियन और पंजाबी, चाइनीज, इंडियन और पंजाबी तीनों तरफ के इसमें आ जाते हैं, और जो अंडे से सजाई है। दूसरी खैसियत है हमारी जो नवाबी बिरयानी है, नवाबी बिरयानी में सब नवाबी मसाला है, जैसे फ्रेश क्रीम है, फिर काजू कनी है, मगज है, उस हिसाब से बनाया, पूरी नवाबी स्टाइल से बनी हुई है, और बिरयानी राइस है जो हम मटके में दे रहे हैं उसका फ्लेवर के लिए। और यहाँ पर दूसरा जो हमारा टिपिकल है इसको बोलते हैं सोल कड़ी, सोल कड़ी हमें नारियल की बनाई जाती है, जो कोकन की बहुत फेमस है, एपिटाइजर है, जो नॉनवेज के बाद और नॉनवेज के साथ उसको पिया जाता है। ये रोज के रोज बनाया जाता है नहीं तो खराब होता है, ये पूरा फ्रेश है, प्योर कोकोनट से बनाया हुआ है। थैंक यू। तो देखा आपने, कहते हैं देखने वाली चीज अगर आपको आकर्षित करती है तो आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ का जो कलरफुल खाना है ना, ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लोगों को खींच रहा है ताकि देखे, और अगर इसके पास आते हैं बिना खाए कोई रह नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है। और जो खास तौर से ये मटकी है, आप देख सकते हैं पहले जमाने में
मटकियों में लोग खाना रखते थे, खाते थे, वही बिल्कुल फ्लेवर आपको मिलने वाला है। और अगर आपको घर खाना ले जाना है तो इसमें पैक करके आप ले जा सकते हैं घर पे। बहुत ही अच्छी पैकिंग है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छी है। अली बाबा बिरयानी, अली बाबा 40 चोर वाली आपने कहानी ज़रूर सुनी होगी, बहुत ही मशहूर रही, आपने फिल्म भी देखी होगी। फिल्म के साथ साथ ये नाम यहाँ पे बिरयानी के लिए है। तो चलिए, ये बिरयानी कैसी होती है, अली बाबा क्यों नाम रखा गया है, ये पता करते हैं, ये पूछते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं कि अली बाबा बिरयानी का मतलब क्या है, ये कौन सी बिरयानी होती है और इसका टेस्ट कैसा होता है। तो आप में से कौन बोलने वाला है, अभी आप बोलेंगे। ये अली बाबा बिरयानी आपने नाम क्यों रखा है? ये अली बाबा एक्चुअली मेरा नाम है और ये अली बाबा से फेमस है बिरयानी में, हमारे ठाणे में 2-3 ब्रांच हैं तो इसे अली बाबा फेमस एक ब्रांड है तो उसे अली बाबा का नाम रख दिया हम लोग। तो अली बाबा इनका नाम है और ये बहुत ही एक अच्छा नाम है, मुझे आपका नाम बहुत पसंद आया और आपके नाम पर ये बिरयानी का नाम रखा गया है, ये इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। ये किस किस तरीके की बिरयानी है, मुझे काफ़ी वैरायटी नज़र आ रही है। मैडम ये हमारे इधर स्टार्टर्स है, ये अपना वेज कुल्फी कबाब है, वेज कुल्फी कबाब, इसमें भाजी वेजिटेबल से बनाया जाता है, फुल वेजिटेरियन है, इसके अंदर कोई नॉन वेज का ये नहीं रहता। आप देख सकते हैं इन्होंने लिट्टी रखा है, वेज कुल्फी और ये वेज पनीर, ये मुझे देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलिए इसका नाम देखते हैं क्या है, चिकन कुल्फी, यानी कि कुल्फी की शेप दी गई है तो इसलिए आपने चिकन रखा। हाँ, इसके अंदर थोड़ा मतलब स्मोक भी कुल्फी के जैसा है, इसके बीच में मायोनीज आएगा। हाँ, इसके अंदर मायोनीज क्रीम रहता है और अमूल ये सब यूज करते हैं तो टेस्ट में वैसी रहता है। और आप देख सकते हैं चिकन कैंडी भी है इधर, हर चीज का इन्होंने नाम मेंशन किया है, सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर। और चिकन लॉलीपॉप भी है, आपका जो मन करे, जो दिल करे वो खाइए। चिकन टंगड़ी लगभग खत्म हो चुकी है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा रहा होगा। ये क्या है, ये चिकन मलाई कांडी, चिकन मलाई कांडी, ये क्या होता है? पूरा क्रीम में बन गया, क्रीम में और मलाई में बन गया, ये अपना दिस कांडी मलाई मेंशन है, मलाई में पूरा एक कांडी जो है अपना मलाई में पूरा बन के आता है, फिर फ्राई होता है क्वालिटी, तो इसका टेस्ट खाने में अच्छा, एकदम लाजवाब बेहतरीन रहता है। एक और मुझे नजर आ रहा है, चिकन चीज शाही रोल, और ये रशियन कबाब और चिकन कटलेट कबाब, रशियन कबाब और चिकन कटलेट कबाब, ये देखिए किस स्टॉल पर इतनी सारी वैरायटी। अगर इंसान इन सारी चीजों को देखने लगे और इनकी खुशबुओं को सूंघने लगे तो शायद देखने और इनकी खुशबू से ही पेट भर जाएगा। भाई मेरा पेट बहुत भर चुका है फिलहाल इन सब की खुशबुओं से। कितनी सारी बिरयानी के स्टॉल्स में आपको अब तक दिखा चुकी हूँ और अभी दिखाने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने देखी यहाँ पे स्टॉल लग रही है, ये है टी शर्ट्स, और सभी की जेब को देखते हुए और सभी के चॉइस के हिसाब से यहाँ पे टी शर्ट्स रखी गई है, अवेलेबल है, तो कोई भी अपनी चॉइस से और अपने पॉकेट के हिसाब से यहाँ से टी शर्ट्स खरीद सकता है। तो चलिए सेकंड स्टॉल में चलते हैं, क्या बात है, यहाँ पर कपड़ों के साथ साथ पूजा यानी कि पूजा की अगरबत्तियों का भी ध्यान में रखकर स्टॉल लगाई गई है। और ये देखिए अगरबत्तियों की पूरी स्टॉल है, हर तरीके की यहाँ पे अगरबत्ती अवेलेबल है। तो चलिए इनसे पूछ लेते हैं ये किस किस तरीके की अगरबत्तियाँ यहाँ पर मौजूद है। मेरा नाम अदिति है, ये अतुल्य अगरबत्ती हमारी कंपनी है, हम खुद अगरबत्ती बनाते हैं, ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है, अतुल्य अगरबत्ती ये हमारा ब्रांड है। और हमारे यहाँ पे सेंटेड अगरबत्ती का भी वैरायटी अराउंड 2022 है, और मसाला अगरबत्ती का भी मेरे पास वैरायटी है,
आठ दस मेरे पास वैरायटी है। और ये धूप अगरबत्ती है, ये जो स्पेशल अगरबत्ती है इसका धूप जैसा स्मेल आता है लेकिन उतना धुआं नहीं होता है इसका। तो इसमें क्या, ये नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है ये अगरबत्ती में। और हम लोग बहुत कम रेट में ये दे रहे हैं, 30 रुपये का एक पैकेट है, 50 का दो है, जो अफोर्डेबल है ईजिली और सबको ये पसंद आता है इसके लिए। यहाँ पे मुझे एक और स्टॉल नजर आ रही है लेकिन ये क्या चीज है मुझे पता नहीं है, तो चलिए ये शॉप वाले भैया से ही पूछते हैं कि ये क्या चीज है और कितने रुपए में यहाँ पर बेची जा रही है। मैम ये नाचनी का बॉबीज है, इसको ओन करो और माइक्रोवेव में डीप फ्राई कर सकते हैं आप। एजली बैच है, कैल्शियम बोन्स के लिए, डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज कंट्रोल रहती है? हाँ सर, नाचनी का मैम रागी, इसको हिंदी में रागी कहते हैं। सो ओन कर सकते हैं, माइक्रो डीप फ्राई भी कर सकते हैं आप। ये कितने कितने रुपए का है? 60 का एक है, 100 का दो है मैम। एक साल कुछ नहीं होता इसको मैम, बंडल में रखने इसको एक साल कुछ नहीं होता, फिर हवा नहीं लगने देने का, एक साल रहता है। तो चलिए डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी, आप ये खा सकते हैं। देखने में तो लग रहा है कि ये तले हुए है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, यहाँ से खरीद कर आप इसका जायका ले सकते हैं। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत प्यारे प्यारे टॉयज हैं, सॉफ्ट टॉयज भी हैं और ये शायद लकड़ी के हैं। तो चलिए जिन्होंने स्टॉल लगाई है उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। आपने ये जो स्टॉल लगाई है बच्चों के खिलौनों की, तो ये कैसे खिलौने हैं और इसके प्राइस क्या क्या है? एक्चुअली प्राइस 10 रुपये की जो भिंगरी रहती है वहाँ से लेके ये 1200 का जायंट व्हील है, मतलब 10 रुपये से लेके 1000 तक हमारे पास सब खिलौने हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो बाजार में प्लास्टिक के चाइनीज खिलौने मिलते हैं बच्चे उससे ना खेले, क्योंकि मेरे पास इतने आइटम हैं जो पहले बचपन है हम लोग खेल रहे थे, हमने खेले। दादा ये ज़रा नीचे करके बताओ। हाँ ये जोकर है, ये पहले मिलता था लेकिन ये अभी किधर भी मुंबई में अगर अब ढूंढेंगे तो नहीं। ये सावंतवाड़ी के स्पेशली हैंडमेड सब खिलौने हैं, हाथ से बनाए हुए। इनके कलर भी एकदम ऑर्गेनिक है, मतलब बच्चे खेलेंगे तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको। तो जैसे आपको पता चला कि बच्चे अगर खेलेंगे तो उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होने वाला, ज़्यादातर लकड़ी के ही यहाँ पे खिलौने हैं और सबकी पॉकेट के हिसाब से अवेलेबल हैं, सस्ते महंगे। यहाँ पर एक और स्टॉल मुझे दिखाई दे रही है, बिस्किट्स हैं अच्छे अच्छे डिजाइन में, गेहूं का बिस्किट है और मूंग का चकली, चकली है यहाँ पर, बड़ी छोटी नाचनी का चिप्स है और भी कई सारी चीजें, मेथी वाकरवाड़ी है, भाकरवाड़ी भी है यहाँ पर और चिवड़ा, ये चिवड़ा भी है यहाँ पर। तो खाने पीने का भी पूरी तरह से इंतजाम है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ भी, कई तरीके की स्टॉल्स लगाई गई है यहाँ पर, कुछ भी खाइए, मौज करिए, मस्ती करिए। एक और बहुत ही प्यारे से स्टॉल जिसे देखते ही मेरी आंखें चमकाने लगी, यानी कि आंखों में चमक आ गई। भैया ये आपने किस चीज की स्टॉल लगाई हुई है प्लीज बताइए। ये भगवान की चीजें है सब मैम, जैसे कपूरदानी वगैरह है, भीमसेनी कपूर वगैरह है, या फिर मंत्र मशीन वगैरह है, इसमें अलग अलग प्रकार के पार्ट वगैरह भी हम लोग ने बनाए हुए हैं। ये जो हम लोग भगवान की मूर्तियां जो प्लेट में रखते हैं, आप पार्ट के ऊपर, चौरंग के ऊपर, ऐसे सिंहासन के ऊपर रख सकते हो। जैसे मल्टीपर्पज दिया, ये नाइट लैम्प करके भी आप यूज कर सकते हो, या इसके बाजू में एक बटन दिया, ये ऑन करोगे तो हीटर चालू हो जाता है। तो अंदर आप कपूर वगैरह भी डाल सकते हो, कपूर है, धूप की पाउडर है, एरोमा के ड्रॉप वगैरह कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर। ये मशीन गर्म होती है जब आप कपूर या धूप डालते हैं तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैलती है, और कहते हैं कपूर और धूप की खुशबू अगर पूरे घर में फैलती है तो ये घर को शुद्ध वातावरण देती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब तक जो आपने स्टॉल्स देखी, खाने पीने की देखी, बच्चों के खिलौनों की देखी, यहाँ पे महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया है और इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज की स्टॉल यहाँ पे लगी है, कड़े हैं, जो भी फैशनेबल आपके नेकलेस है। इस ज्वेलरी को देखकर तो लगता है कि सबसे पहले मैं ही धारण कर लूँ इसे, बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है, एकदम आकर्षित करती है लोगों को अपनी तरफ। और यहाँ पर देखते देखते काफी भीड़ हो चुकी है, अचारों की बहार बेशुमार, देखिए अचार पर अचार, यहाँ पर कई तरीके के अचार हैं, ऐसे भी अचार हैं जिनको शायद मैं पहली बार देख रही हूँ और ऐसे भी अचार हैं जिनको मैं बहुत ही टेस्ट ले लेकर खाती हूँ। तो ये कौन कौन से कैसे कैसे अचार हैं, चलिए अचार वाले भैया से जानते हैं। भैया ये कितने तरीके के अचार आपने रखे हुए स्टॉल पर? ये मैम हर प्रकार का अचार है,
सब प्रकार का अचार इधर मिलेगा, 24 वैरायटी मिलेगा। ये राजस्थानी पिकल्स है। नाम बताइए। एक कैरी का मिलेगा, पंजाबी पिकल्स मिलेंगे, हैदराबादी मिलेंगे, लहसुन मिलेगा, लहसुन दो क्वालिटी के रहेंगे, एक गरम मसाला एक सादा मसाला, गुड़ कैरी है भी, गुड़ लुंचा भी है, बरेली मिर्ची भी है, सब प्रकार के अचार है मिलेंगे। आप देख सकते हैं लहसुन का अचार है, आम का अचार है, लहसुन के अचार भी कई तरीके के हैं। कहते हैं जिसको गैस की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, लहसुन का अचार खाए और जिंदगी को मस्त मस्त जिए। अब एक और स्टॉल पर हम आ गए हैं, ये शायद बिस्किट्स की स्टॉल है और ये कलरफुल चॉकलेट वाले बिस्किट्स हैं या क्या है ये तो मुझे ये भैया ही बताएंगे। भैया ये किस चीज की स्टॉल लगाई अभी आपने? कोकन साइड का प्रोडक्ट है मैडम, ये कोकन साइड का प्रोडक्ट है पूरा, ये हम लोग का होममेड प्रोडक्ट है सब। ये गेहूं का बिस्किट है, इसमें जुड़ा हुआ दोनों मिक्स है। ये नाचने का बिस्किट है, बच्चे लोग को दूध में भी डाल के देते हैं, कैल्शियम के लिए अच्छा रहता है। और ये मकई बिस्किट है कॉर्न, ये भी बहुत बढ़िया टेस्ट में। वैसे भी हम लोग आटा भी है कोकन साइड का, थाली पीठ बनाने का आटा है, डोसा बनाने का आटा है, घावना पीठ है, आंबोली पीठ है, कोमड़ी वड़ा पीठ है, थाली पीठ है, कुलित पीठ है, कोकम भी है, इसको भी कोकम चाहिए रहेगा, आ जाइए। और अब हम आ गए हैं पान की स्टॉल पर और देखिए किसी को तकलीफ ना हो, अगर ज्यादा भीड़ हो तो हर पान की कीमत बतानी ना पड़े, तो यहाँ पे इन्होंने सब पान के नाम और नाम के आगे सभी के आगे उनके प्राइस लिखे हुए हैं। बनारस रेगुलर पान है, कोलकाता का पान है, स्पेशल मसाला पान है, कई सारे पान के नाम हैं, उनके साथ साथ उन्होंने दिए हैं उनके प्राइस। इसलिए अपनी पॉकेट को देखिए, अपने टेस्ट को देखिए और पान खाकर पान के मजे लीजिए। तो स्टॉल वाले भैया से पूछते हैं कि ये कौन कौन सी आइसक्रीम यहाँ पर बनाते हैं और कौन सी आइसक्रीम फेमस है। मैम हम लोग के पास फ्रेश फ्रूट के आइसक्रीम्स है, चॉकलेट्स में है, ड्राई फ्रूट्स में है। ज़्यादातर पब्लिक जो प्रेफर करती है वो फ्रेश फ्रूट में, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ज़्यादा पसंद करती है, मैंगो की आइसक्रीम पसंद करती है जो हम फ्रेश फ्रूट के साथ यूज़ करते हैं। चॉकलेट में अगर आप देखें तो ओरियो है, किटकैट का आइसक्रीम हम बना सकते हैं, ब्राउनी बकेट है जिसमें ब्राउनी केक यूज़ करते हैं उसका आइसक्रीम हम बनाते हैं, चोको चिप्स का आइसक्रीम बनाते हैं। बट जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है वो है स्मोकी डेजर्ट्स। स्मोकी डेजर्ट्स में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ है, जैसे कि आप देख रहे हो ये फ्रूट फ्लेवर्ड बॉल्स है, चार फ्लेवर्स में अवेलेबल है, ये स्ट्रॉबेरी, ग्रीन एप्पल, लेमन ऑरेंज, जैसे आप खाएंगे तो वैसे स्मोक आता है। ये समथिंग न्यू है आज के टाइम पे, आइसक्रीम्स और स्मोकी डेजर्ट्स। आपने कहा कि आप किटकैट आइसक्रीम भी बनाते हैं, तो किटकैट यानी कि वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम? यस किटकैट, दिलशाद किटकैट बताना, किटकैट जैसे ये किटकैट है, हम किटकैट को आपके सामने खोलेंगे, आपके सामने इसको क्रश करेंगे और आपके सामने इसका आइसक्रीम बना के देंगे। आप अभी बना के दिखा सकते हैं? यस। तो चलिए किटकैट जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं चॉकलेट, तो किटकैट की आइसक्रीम कैसे बनती है ये भी हम देख लेते हैं। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये भैया अभी आपको बनाकर दिखाएंगे किटकैट वाली आइसक्रीम। कहते हैं ये देखिए, ये अभी आपने क्या डाला है इस किटकैट के ऊपर? हर्शीज का चॉकलेट। हर्शीज का चॉकलेट, तो इसका ये फ्लेवर है, इससे चॉकलेट का और टेस्ट बढ़ जाता है? यस एग्जैक्टली, चॉकलेट सॉस है, चॉकलेट तो है किटकैट बट उसके साथ चॉकलेट सॉस भी डालते हैं जिससे फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ये आइसक्रीम भी कैसे बन रही है। ये भी कट कट की जा रही है, यानी कि इसको पूरी तरह से मैश कर दिया गया है फ्लेवर में। इसमें भी मिल्क मिलाया जा रहा है, वैसे तो कोई भी आइसक्रीम हो बिना दूध के बनती ही नहीं है, ये दूध भी मिला सकते हैं। और ये है जो अभी मिलाई है, ये है फ्रेश क्रीम। इससे ज्यादा फ्रेश और नेचुरल आइसक्रीम आपको देखने नहीं मिलेगी, बिकॉज ये आपके आंखों के सामने बनाई जाती है, क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो आपको पता होता है, और ये सबसे फ्रेश और नेचुरल वे है
आइसक्रीम बनाने का। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जब आप बाहर आइसक्रीम खाते हैं तो आपको ये लगता है पता नहीं इसमें क्या क्या मिलाया गया होगा, क्या इसमें हानिकारक है, क्या फायदेमंद है, तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपकी आंखों के सामने नेचुरल तरीके से आइसक्रीम बनाई जाती है और आपको सर्व की जाती है, जिससे कि आपको भी ये कंफर्म हो जाता है जो आइसक्रीम है हमारे लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। तो चलिए, ये तरीका मुझे तो बहुत पसंद आया है, आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद जरूर आया होगा। इसमें भी शायद 4 रोल निकलने वाले हैं। कितने रोल निकलेंगे? 5 रोल निकल लेंगे इसमें। ये निकला 4th और ये निकला 5th। 5 रोल निकले हैं इस आइसक्रीम में, चॉकलेट आइसक्रीम में, और शायद इसी तरीके से ये देने वाले हैं। भैया, ये चॉकलेट आइसक्रीम जो आपने अभी बनाई देखने में बहुत अच्छी लग रही है। एक आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी और एक चॉकलेटी, दो आप देख सकते हैं आइसक्रीम। इनका प्राइस क्या क्या है? स्ट्रॉबेरी फॉरेस्ट आप लेते हैं तो आपको 80 रुपीज का आता है, और किटकैट वाला आइसक्रीम लेते हैं तो आपको 70 रुपीज में आता है। क्या बात है, मैं तो सोच रही थी कि चॉकलेट वाला बहुत महंगा होने वाला है, लेकिन चॉकलेट वाला बहुत सस्ता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह से। खाने पीने के बाद अब हम आए हैं एक फूड चाट की स्टॉल है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी, ये ओरिजिनल है स्ट्रॉबेरी और बिल्कुल फ्रेश नजर आ रही है। स्ट्रॉबेरी की स्टॉल अलग से नहीं है, इसको फूड चाट में मिक्स करके दिया जा सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेप्स है, ग्रीन भी है, ब्लैक भी है, ये पाइनएप्पल है, ये पाइनएप्पल है, और देखिए अभी ये भैया बना रहे हैं, ये पपाया है, और ये आप इधर तरबूज देख सकते हैं। ये इनके कस्टमर हैं जो कि फ्रूट चाट बनवा रहे हैं और वो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं मुझे ये ज़्यादा चाहिए, ये कम चाहिए, या कौन सी चीज़ ज़्यादा या कम चाहिए, आप स्टॉल वाले भैया से, फ्रूट चाट वाले भैया से बोल सकते हैं, तो वो उसी तरीके से आपको फ्रूट चाट बनाकर देंगे। भैया, ये कितने की प्लेट देते हैं आप? ये इतनी भर के मैडम 40 रुपये में। एक बार दिखाइए, ये देखिए ये 40 रुपये में आपको प्लेट मिलेगी। इस तरीके से आपको स्ट्रॉबेरी डालकर दी जाएगी, जो भी चीज ज्यादा कम आप लेना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, उसी तरीके से आपको मिल जाएगी। तो अभी आप देख रहे थे इंडिया ब्यूरो की खास खबर। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया ब्यूरो के साथ, और हाँ, ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इंडिया ब्यूरो, इंडिया का पहला ऑनलाइन न्यूज चैनल। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।